आने वाली पीढ़ी को बिगाड़ने में बूढ़ों का पूरा योगदान है। ये सही रास्ते पर चलना ही नहीं चाह रहे। क्या जमाना आ गया। इसलिए आजकल ऐसे बूढ़ों से भी सावधान जो कि जुआड़ी हैं, गंजेड़ी हैं, कई बुढ़े गंजेड़ी होते हैं, गांजा पियेंगे, जहां बैठेंगे गंजेड़ियों को इकट्ठा कर लेंगे, और तो सब ठीक है, जवान जवान बच्चों को भी बिठा लेते हैं और जबरदस्ती चिलम पकड़ाते हैं, लो तुम भी चढ़ाओ चढ़ाओ, एक तो चढ़ाओ एक तो चढ़ाओ, लो भैया नहीं पी रहा था जबरदस्ती पिला रहे हैं। ये बुढ़े सब नाली के कीड़े बनेंगे, समाज को देश को बना तो रहे नहीं, बिगाड़ और रहे। हाँ या ना, क्या यही धर्म है बूढ़ों का कि जबरदस्ती गांजा पिलाओ जुआ खिलाओ। ये सारे नाली में कीड़े बढ़ रहे हैं ना, सब ये बूढ़े लोग जो गलत काम कर रहे हैं, सब नाली के कीड़े बनेंगे। समझा देना अपने अपने बूढ़ों को भी, जुआ ना खेलो, जुआ ना खेलो, गांजा ना पियो, शराब ना पियो बुढ़ापे में। कथा सुना करो भगवान की, कीर्तन किया करो, अच्छी बातें किया करो, देश के लिए कुछ अच्छा करो, अच्छी विचार रखो, अच्छे सोच रखो, देश के लिए कुछ अच्छा कर दिखाओ, कर जाओ, है ना। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कितना बढ़िया काम किया, देखो वो भी बूढ़े थे, उन्होंने भारत को इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी दे दी, शिक्षा का इतना बड़ा केंद्र, आज बीएचयू जिसको कहते हैं काशी में, पंडित मदन मोहन मालवीय जी की देन तो है। तो ऐसे बूढ़े हों जो देश को शिक्षा दें, ऐसे बूढ़े हों जो देश को संस्कार दें, ऐसे बूढ़ों की कोई जरूरत नहीं है जो जुआ खेलना सिखाएं। चलो यहां के बूढ़े तो ठीक है, आजकल फिल्मी दुनिया में जितने बूढ़े रिटायर बैठे हैं ये भी जुआ का प्रचार करते हैं, जंगली रमी जुआ यूट्यूब पर एड आप देखते रहते हैं, ये सब वहां के एक्सपायरी डेट वाले बूढ़े ये सब कर रहे हैं। अब इनसे और कोई काम तो बचा नहीं, पिक्चर में काम तो मिलता नहीं, तो ये जुआ का ही प्रचार करने में लगे हैं, जंगली रमी खिला रहे हैं। क्यों जी, हाँ या ना, ये सब बेरोजगार बूढ़े हैं, कोई काम नहीं बचा इनके पास। इसलिए मैं जवान दोस्तों को कह दूं, जीवन में कुछ ऐसा करना कि बुढ़ापे में तुम बेरोजगार ना हो जाना। मैं ये नहीं कहता कि तुम काम छोड़ दो, काम करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भगवान का चिंतन करना है, काम नहीं छोड़ना कोई भी। हाँ ये जरूर है कि जवान बच्चों को जिम्मेदारी दे दो और धीरे धीरे मन को संसार से हटा लो, काम करो, मन को हटाओ। मैं मन को हटाने की बात करता हूं, तन को हटाने की बात नहीं करता मैं कभी। तन को तो काम में लगाओ, क्योंकि शरीर काम नहीं करेगा तो शरीर बीमार पड़ जाएगा। शरीर से काम लेना चाहिए, शरीर से काम नहीं लोगे, शरीर को ज्यादा आराम दोगे, शरीर क्या हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। इसलिए शरीर से काम लेते रहो, शरीर को काम पे लगाओ, लेकिन मन को स्वतंत्र कर दो, केवल भगवान का चिंतन करे वो। मन को ना काम पे लगाना, मन को छोड़ दो आजाद, कि जा तू सदा बिहारी जी के चरणों में जाकर बैठे रहना और सदा भगवान का चिंतन करना। मैंने किसी भी वक्तव्य में शरीर से काम छोड़ने की बात नहीं कही, जहां भी मैं छोड़ने की बात कहता हूं वहां मेरे कहने का तात्पर्य मन से होता है, तन से नहीं। तन से काम छोड़ दोगे आप लोग, अकर्मण्य हो जाएंगे आप लोग। देश की व्यवस्थाएं, मैं भी काम छोड़ दूं, आप भी काम छोड़ दो, सारे लोग काम छोड़ देंगे तो अव्यवस्था खड़ी हो जाएगी। काम नहीं छोड़ना कुछ भी, बेरोजगार नहीं होना, आपको काम करना है, पैसे कमाना है, खूब बुढ़ापे में भी खूब पैसा कमाओ और खूब पैसा कमा कमा के खूब पुण्य करो, खूब दान करो, यही करो, यही जीवन है। बूढ़े आदमी को दान करना चाहिए, तो दान कहां से करोगे, पैसा होगा तब तो दान करोगे, और पैसा तब होगा जब कमाओगे। जीवन भर जो तुमने कमाया है वो थोड़ा सा दशांश दान पुण्य में लगाओ और अपने लिए कुछ कुछ काम करते रहना। कई बूढ़े ऐसे होते हैं
जो काम ही काम करते हैं, ना सत्संग ना भजन ना दान, बस काम मेरे बेटे को ये मिल जाए। ये बूढ़े भी गलत रास्ता पकड़ चुके हैं। काम करो भैया, पर सत्संग हो रहा तुम्हारे गांव में, तुम्हारे आसपास, तो सत्संग में जाओ, कीर्तन भी करो, कथा भी सुनो और काम भी करो। केवल काम ना जी, फिर व्यवस्थाएं फिर भी बिगड़ जाएंगी। एक बैलेंस बना के, हम लोग दाल बनाते हैं तो दाल में भी स्वाद तब आता है जब बराबर मात्रा में मिर्ची पड़े, बराबर मात्रा में धनिया पड़े, बराबर मात्रा में नमक पड़े, बराबर मात्रा में हल्दी पड़े। क्यों जी? बराबर मात्रा में मसाले, एक मसाले को आप ज़्यादा कर दीजिए तो भी स्वाद बिगड़ जाएगा, और एक मसाले को कम कर दीजिए तो भी स्वाद बिगड़ जाएगा। ये जीवन में ना सबकी एक मात्रा है कि कितनी मात्रा में काम और कितनी मात्रा में राम। काम भी करना है और राम भी जपना है। सवेरे 4 बजे जाग जाओ, 5 बजे जाग जाओ, 6 बजे जाग जाओ और प्रभात फेरी लगाओ सारे बूढ़े गांव के, और कीर्तन करो पूरे गांव में, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। पूरे गांव में जब राम जी की ध्वनि जाएगी, राम नाम की, तो पूरे गांव में जितनी भी नेगेटिविटी नकारात्मकता है सारी दूर दूर भाग जाएगी, और आपके गांव में कभी कोई व्यक्ति, कोई बच्चा नेगेटिविटी अर्थात नेगेटिव विचार का नहीं होगा, सकारात्मकता से भरे होंगे। अपने गलियों में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में प्यार से कीर्तन करना सीखो। कीर्तन करो, कीर्तन कराओ, भगवान के नाम में बड़ी ताकत है। अजामिल जैसे पापी के कानों में भगवान का नाम चला गया और वाणी से एक नाम निकल गया, भवसागर से पार हो गई, ये एक नाम की महिमा है।